तो वाराणसी से ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, जहां सपा समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी और बीजेपी पर जमकर हमलावर थी। इस बीच आज छठा चरण है, सातवें चरण को लेकर चुनाव प्रचार भी धुआंधार देखा जा सकता है। छठे चरण में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, शाम 6 बजे तक होगी। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दोपहर 1 बजे तक वो हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर नगर में 1 बजे तक 40.6% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 34.25% मतदान हुआ। इसके अलावा बस्ती में 37.49%, देवरिया में 34.23% मतदान हुआ। गोरखपुर में 36.66% मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। कुशीनगर में 49.36%, वहीं महाराजगंज में भी आंकड़ा लगभग 30% से ज्यादा है। संतकबीर नगर में 34.33%। तो ये वोटिंग परसेंट है 1 बजे तक का, जहां पर सबसे ज्यादा जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो अंबेडकर नगर का सामने आया है। तो 10 जिले 57 सीटें और इसके बाद 676 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। विकास, सुशासन, सुरक्षा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है और थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार है, बेहतर उपयोग होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, नीचे कर भैया एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी। तो छठे चरण का रण पूरी तरह से तैयार है, सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और इसको लेकर तमाम जो मतदाता हैं मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पांचवें चरण में 249 सीटों पर मतदान हो चुका है। पर और कई बार कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव हार भी चुके हैं, तो ऐसे में 10 सीटों पर 13 मंत्री और पूर्व मंत्री मैदान में हैं। 2017 की हम बात करें तो 57 जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से करीब 46 बीजेपी के नाम रही थी। और इस बार जो गोरखपुर की सीट है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि छठे चरण का मतदान चल रहा है, कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भाग्य का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी मतदान हो रहा है, जहां उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ कई उम्मीदवार मैदान में हैं। तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 57 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी के नाम थी, लेकिन इस बार चुनावी गणित कुछ और ही दिखा रहा है। तो 10 जिलों की 57 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला लगातार देखने के लिए मिल रहा है और 3 बजने वाले हैं
समय कम बचा है, ऐसे में लगातार मतदाताओं से अपील की जा रही है कि जिन्होंने अभी मतदान नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे मतदान बूथों पर और मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है, कुछ जगहों पर तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मतदाता पहुँच रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें बुजुर्ग महिला, 104 साल की बुजुर्ग महिला बताई जा रही है जो कि मतदान केंद्र पर पहुंची, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक एक वोट कितना कीमती है और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। तो टेली के माध्यम से भी आप समझ रहे हैं किसके बीच कांटे की टक्कर है, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, ये बड़े चेहरे हैं, दो बार स्पीकर रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, बीजेपी के डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी से हारे, बीएसपी से हरिशंकर को उतारा तो बीजेपी के बागी हो गए। इसके अलावा कांग्रेस के अरशद खुर्शीद बीएसपी के बागी बताए जा रहे हैं। ये बागी और दागी नेताओं की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे ही गोरखपुर के हालात बताए जा रहे हैं। तो तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय त्यागी बीजेपी से हैं, केडी यादव सपा से हैं, दीपक जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। देखिए छठा चरण चल रहा है, कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है क्योंकि 10 सीटों पर 13 मंत्री और पूर्व मंत्री मैदान में है, तो दिलचस्प मुकाबला है। संजय त्यागी साहब, बीजेपी कह रही है कि हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे पूर्वांचल में, लेकिन इस बार सपा की सेंधमारी बहुत ज्यादा, इसे झुटला नहीं पाएंगे आप? पहले तो आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार जी। देखिए आवाज गूंज करके आ रही है, मेरा निवेदन है कि आवाज को ठीक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल इस आवाज को ठीक किया जाएगा। क्या अब मेरी आवाज ठीक तरीके से आ पा रही है आपको? आवाज बैक आ रही है मेरी, तो इको साउंड हो रहा है, समस्या को सुधारें जल्द से जल्द, मैं अपनी टीम से कहूंगी। तो केडी यादव साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी आपके पास वापस लौटूंगी, केडी यादव जी के पास मैं जाऊंगी। यादव साहब, पूर्वांचल की तस्वीर बयां कर रही है कि सपा की पूरी सेंधमारी है, गदगद तो बहुत होंगे आप जी। हेलो जी केडी साहब, आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आई केडी साहब, गदगद तो बहुत होंगे, सेंधमारी पूरी है सपा की पूर्वांचल में। देखिए पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिम से ही अच्छी हवाएं आई हैं और आपके पचवे चरण तक बहुत ही नजदीक हम लोग आ गए थे और बहुमत के करीब आ गए थे और छठवे सतवे में तो हम लोग बोनस मिलने जा रहा है। और आज जो पूर्वांचल की हालात, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लगातार कि हम पूर्वांचल में अच्छी सीट आएंगे, लेकिन पूर्वांचल के नौजवान, व्यापारी, गरीब, हर समाज के लोगों ने बदलाव के दृष्टि सब लोग वोट देने जा रहे हैं, तो अच्छी सीट जीत करने जा रही है समाजवादी पार्टी के गठबंधन। इसके अलावा जी इस बात की खुशी तो है जी यादव साहब, खुशी तो बहुत है, गदगद भी आप बहुत हो रहे हैं क्योंकि 4 चरण तो पहले ही आपने कह दिया कि आप जीत चुके हैं। जी। यादव साहब शायद नेटवर्क की समस्या हो रही है जिस वजह से मेरी आवाज भी आप तक नहीं आ पा रही और आपकी आवाज भी मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इस समस्या कभी-कभी कट रहा है जी, समस्या को सुलझाने की कोशिश हम करेंगे। दीपक साहब भी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जरा इस छठे चरण को समझने की कोशिश कर लें। दीपक साहब, छठा चरण 10 जिले 57 सीटें, 10 सीटों पर 13 मंत्री और पूर्व मंत्री मैदान में है, बहुत ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है, छठे चरण को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए ये बहुत ही दोनों पार्टी समाजवादी और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण एक तरह से कांटे की टक्कर होगी, जहाँ पे इतने बड़े बड़े मंत्री जी लोग हैं उनकी साख भी दांव पे है। सबसे बड़ी चीज इस बार इस इलेक्शन में एक तरह से लहर कोई नहीं थी और जो साइलेंट वोटर का जो वो था, एक लहर थी,
उससे पता नहीं चलता है कि आप किस तरफ जो है पार्टियों का जा रहा है। लेकिन कांटे की टक्कर तो है, लेकिन अगर आप इस बेड में छठे चरण में आप बेड देखिए, आप 10 जिले में जहां जहां पे हो रहे हैं वहां पे तो बीजेपी शायद मेरे ख्याल एज में हो, क्योंकि बीजेपी को दिखाने के लिए है, विकास का काम है कि हमारे यहाँ गोरखपुर में एम्स बना, खाद कारखाना आया, रोड बनी, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुले, जरिया मेडिकल कॉलेज खुला, तो आप कहीं कहीं इस इन चीजों का लेके जो है बीजेपी के विकास का जो एक चुनावी हथियार है वो चीज तो है। तो उस मामले में शायद कहीं विपक्षी पार्टियां जो है थोड़ी कमजोर पड़ेंगी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की सीट यहाँ पे जो लास्ट टाइम थी उससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन बीजेपी जो है अधिकतर जो सीटें जो बीजेपी की। तो ऐसे में देखिए दीपक साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लगातार कई सालों से आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में पैनलिस्ट बने हुए हैं, कई सारे टीवी चैनल्स पर आप जाते हैं, हमारे साथ भी लगातार जुड़ते रहते हैं। अगर सपा की बात की जाए, क्योंकि ये तस्वीर सामने आ रही है कि सपा जो है पूर्वांचल में बहुत अच्छी तरह सेंधमारी कर रही है, और यही वजह है कि अब बीजेपी और ज़्यादा मेहनत कर रही है चुनाव प्रचार में, चाहे वो छठे चरण को लेकर करना था या फिर अब सातवें चरण को लेकर करना हो। नहीं, आपने सही कहा, देखिए सपा ने बहुत अच्छी कर दी, अखिलेश यादव जी ने बहुत ही मेहनत की है चुनाव के लिए, और तो आप देखिए बीजेपी के साथ ही बीजेपी के साथ पूरा एक संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है, तो उस पर टक्कर देना थोड़ा सा, और विपक्षी जो पार्टियां हैं यूपी में लड़ रही है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और बीजेपी के पास दोनों चीजें, देखिए चुनावी हथियार जो है, एक तो इनके पास विकास का काम है, दूसरी तरफ जो भी राजनीति होती है, चाहे धार्मिक राजनीति हो चाहे जाति राजनीति हो, तो वो जब भी है तो आप इनके पास विकास काम, अगर देखिए मोदी जी का नाम भी है और इनकी योजनाएं जो है कल्याणकारी योजनाएं शायद जनता को डायरेक्ट हिट की है, तो वो भी एक फैक्टर। लेकिन नेगेटिव चीजें में कि आप महंगाई पे है, रोजगार है, कोरोना में जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो बुरी स्थिति थी वो सब भी चीज है, तब ये डिपेंड करता है कि आप या तो विपक्ष जो है जनता को समझा दे कि नहीं इन्होंने गलत किया तब तो वो जीतेगी, या जो सत्ता पक्ष कहे नहीं हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो ये जो मतलब जो रेस है इस पर डिपेंड करेगी, जनता कितनी समझ वो 10 तारीख को ही पता चलेगा।